करने आए आज? हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी का जीवन हम सब को प्रेरणा देता है, हनुमान जी का समर्पण सेवा, निस्वार्थ भाव से समाज पार्टी करनी है और भगवान राम ने जिसे आदर्श जीवन समाज को आदर्श जीवन प्रदान किया, ऐसे भगवान ने समर्पण सेवा त्याग प्रदान किया। समाज में आज इसकी आवश्यकता है कि हम सब समाज आपस में जुड़कर त्याग बलिदान सेवा समर्पण के साथ देश के नीचे गरीब वंचित उद्धार कर सके, इसका सामाजिक कल्याण कर सके और जितना समर्पण होगा जितनी सेवा का भाव होगा उतना ही वसुदेव सारी योजनाओं की जानकारी। आज प्रदेश के अंदर सरकार एक नई राह पर चल रही है, भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों की आवश्यकताओं आकांक्षाओं के अंदर काम करना, विकास का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर रूप में तैयार करना ताकि भविष्य में हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर नए रोजगार के साधन को कमा विषय है कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद पहली हनुमान जयंती ऐसी है कि पूरा विश्व धूमधाम से मनाने जा रहा है। सर्वप्रथम भगवान राम के मंदिर की स्थापना हुई और आज हम हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम यहाँ हनुमान जी की मंगला आरती करते हैं, मंगला आरती के बाद भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक के बाद भगवान हनुमान जी का सहस्त्रार्चन होता है। सहस्त्रार्चन का मतलब ये है कि 1000 जो हनुमान जी के नाम है उन एक एक नाम के साथ एक एक वस्तु हनुमान जी को अर्पित की जाती है। उसके बाद भगवान का जो मध्याह्न आरती होती है 12 बजे की, भगवान को भोग लगता है। उसके बाद जो सायं जो भगवान का स्वर्ण श्रृंगार, भगवान को स्वर्ण शैला बदेम बोलते हैं, हनुमान जी महाराज का स्वर्ण श्रृंगार होता है। स्वर्ण श्रृंगार के बाद भगवान की रात को महाआरती और प्रसादी वितरण होता है। भगवान को आज विशेष रूप से 56 भोग का तैयार किया गया है। मथुरा से जो और वृंदावन से जो 56 भोग बनाने वाले वो आए हुए हैं और भगवान का 56 भोग तैयार कर रहे हैं। उसके बाद भगवान को 56 भोग लगेगा, उसके बाद महाआरती और प्रसाद वितरण होगा। मैं संपूर्ण हिंदुस्तान के संपूर्ण विश्व को जन जन के आधार आराध्य भगवान हनुमान जी के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी महाराज भारत के ऊपर पूरे विश्व के ऊपर कृपा बनाए रखें और इस देश को सुरक्षित रखें, इसी में मंगल कामना करता हूं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।